एनएस न्यूज लाइव पर खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मित्रता के बहाने नाबालिग से बलात्कार, ऑर्डर का झांसा देकर अचार विक्रेता को ठगा, कड़वी चौक पर यातायात चरमराया। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। मित्रता के बहाने नाबालिग से बलात्कार। मित्रता के बहाने युवक ने नाबालिग छात्र से बलात्कार किया। नाबालिग के गर्भवती होने पर वारदात सामने आई है। यह वारदात वाड़ी थाना अंतर्गत की है। आरोपी शुभम रामटेके है। पीड़ित 17 वर्षीय 11वीं के छात्र है। छात्र के परिवार में माँ और दो बड़ी बहनें हैं। माँ मजदूरी करती है। छात्र 2018 में ट्यूशन क्लास के लिए शुभम के घर के पास जाती थी, तभी उसकी शुभम से पहचान हुई। अक्टूबर 2020 में शुभम ने नाबालिग से जबरन शारीरिक संबंध बनाए, फिर बदनाम करने की धमकी देकर कई स्थानों पर ले जाकर बलात्कार करने लगा। भयभीत होने से छात्र ने यह बात किसी को नहीं बताई। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। उसकी हालत से मां को संदेह हुआ। पूछताछ करने पर छात्र ने आपबीती बताई। डॉक्टर के पास ले जाने पर उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। मंगलवार को वाड़ी थाने में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बलात्कार धमकाने तथा पॉक्सो के तहत केस दर्ज कर शुभम को गिरफ्तार किया है। दूसरी खबर, ऑर्डर का झांसा देकर अचार विक्रेता को ठगा। अचार का ऑर्डर देने का झांसा देकर व्यापारी को साइबर अपराधियों ने 1,00,000 रुपए का चूना लगा दिया। वारदात नंदनवन थाना अंतर्गत की है। नंदनवन निवासी पवन अग्रवाल की इतवारी में अचार और पापड़ की दुकान है। उन्होंने अचार पापड़ की मार्केटिंग के लिए इंडिया मार्ट में रजिस्ट्रेशन किया था। 22 मार्च को पवन को साहिल कुमार ने फोन करके अचार खरीदने का झांसा दिया। उसने पवन को अचार के 5 और 1 किलो पापड़ के 30-30 डिब्बे खरीदने का ऑर्डर दिया। इसकी कीमत 21,900 रुपए थी। साहिल ने 24 मार्च को पवन को पुनः फोन करके पेटीएम के संबंध में पूछा। पवन ने उसे गूगल पे होने का बताया। साहिल ने पवन को 5 रुपए ट्रांसफर करने को कहा। पवन के 5 रुपए भेजते ही साहिल ने उसे 10 रुपए भेजे। उसके बाद पवन के खाते से 4 किस्त में 98,800 रुपए उड़ा लिए गए। पवन ने नंदनवन थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी तथा आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। तीसरी खबर, कड़वी चौक पर यातायात चरमराया। कामटे रोड स्थित कड़वी चौक के ट्रैफिक सिग्नल पर यातायात रोजाना चरमरा रहा है। कड़वी चौक पर ट्रैफिक सिग्नल तो शुरू है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी नदारद है। इस वजह से यहां वाहन चालक नियमों को दरकिनार कर आवाजाही कर रहे हैं। इससे हादसे की आशंका बढ़ रही है। महामेट्रो का निर्माण कार्य शुरू होने की वजह से यहाँ कई मार्ग डाइवर्ट है। ऐसे में यहाँ यातायात पुलिस कर्मचारी भी तैनात नहीं होने से ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई है। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।